काव्या ने आपसे वादा किया है, हमने नहीं, और हम काव्या का साथ नहीं छोड़ने वाले। तो फैसला आपको करना है, ये आपकी मर्जी से होगा, ये आपकी मर्जी के खिलाफ। कसम आपने लिए बंसल साहब, और हम आपकी अर्धांगिनी है, तो इस नाते काव्या को कसम से मुक्त कराने का आधा हक तो फिर हमारा भी बनता है ना? अच्छा, बनता है ना? काव्या बेटा, आज तू हर वादे से, हर कसम से आजाद है, अपने दिल की सुन, अपने अपने प्यार का साथ दे, हमारा आशीर्वाद है तेरे साथ। चल जा। हम हैं तेरे साथ। बस बहुत हो गया, हम काव्या के बिना एक पल नहीं रह सकते। हम आज इसी वक्त से शादी करने वाले, चाहे हमारी खुशी में कोई शामिल हो या ना हो। आदि। हाँ काव्या, इन सबको क्या, अब किस्मत को भी मौका नहीं देंगे कि हमें अलग कर पाए। तुम आज हमारी पत्नी बनोगे, इस घर की बहू बनोगे। उदगी अंजलि, रोको इसे। पंडित जी, ये शादी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। गिरी, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, थोड़ी देर के लिए अपना अहंकार, अपनी खुदगर्जी को भूल जाइए और देखिए अपने बेटे की आंख में। काव्या उसका प्यार है, उसकी खुशी है। गिरी, मम्मा, हम पापा को कैसे? तेरे पापा और हमने ना एक बेटी खोई है अपनी, दूसरी नहीं खो सकते। तेरे हर दर्द अपना लेंगे और तेरे प्यार के खातिर हम सब चैन कुर्बान कर देंगे बेटा, लेकिन तुझे हाथी से अलग नहीं होने देंगे। बस तू जा। चल जा। तुम हर दिन हमारी हो जाओगी, तुम्हारी हंसी देख पाऊ, तुम्हारी आवाज सुन पाऊ, दिन तुम्हीं से शुरू और तुम पे खत्म हो। पहले नहीं जानते थे कि प्यार ऐसा भी होता है जो जो हर दिन गहरा होता जाता है। अधिराज प्रधान, आज से लेकर हमारी आखिरी सांस तक बस तुम्हारे हैं। तो तुम्हें कब का दे चुके हैं, अब
अभी हाथ पकड़ रहा है कभी ना छोड़ने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? काव्या इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये तो कांड करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। अगर उसे नव्या के केस के बारे में खबर लग गई तो? काव्या, आगे बढ़ने के लिए आज एक मां का सामना करना पड़ेगा। पंडित जी, ये शादी किसी भी हालत में आज अपने कदम रोक लीजिए गिरे, क्योंकि आपके सामने आपकी पत्नी नहीं आदि की मां खड़ी है। हमारे खिलाफ जाओगी तुम? आज जरूरत पड़ी तो किसी से भी लड़ जाऊंगी। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वर अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए, कन्या भी अपना दाहिना हाथ वर के दाहिने हाथ में रखें। वर कन्या का गठबंधन कीजिए। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। वर कन्या, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरे संपन्न हुए। तेरा एक बाप जिंदा है ना, ऐसा नहीं होने देगा। तू देख इस कव्य बंसल का क्या करता हूं। अब माता पिता के आशीर्वाद से वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। पता है वो नाराज क्यों है? क्योंकि उनकी चल नहीं रही। क्या जैसे हम थे तो तुमने हमें छोड़ दिया था ना, क्योंकि हम तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। काफी बंसल, वो आदमी दीवाना है तुम्हारे प्यार में। एक्चुअली बंसल, वो ना तुम्हें तड़प रहे आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, तड़प रहे हो क्या? देखना है तुम्हें? हाथ जोड़ो। अरे हाथ जोड़ो और झुको हमारे साथ। झुको।
शोर चाहिए बंसु, तो हम तुम्हें दिलवाएंगे। बस तुम फिक्र मत करना कभी। लगा दो सिंदूर। कन्या को मंगलसूत्र पहनाएंगे। विवाह संपन्न हुआ। कौन की चीज? आधा चॉकलेट आधा चीज, पूरी तुम साथ बैठ के खाएंगे हमेशा। पर अब तुम ना प्लीज दूर मत होना हमसे, हम बता रहे हम मर जाएंगे। अरे दूर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता बंसु, तेरी बॉडी की परछाइयों में, तेरी टीवी का रिमोट हूँ, तेरे गाड़ी का व्हील हूँ मैं। काव्या बंसल आईएएस चांद पे पोस्टिंग करवा लो, हम पीछा नहीं छोड़ने वाले, अभी नहीं छोड़ने वाले। पापा ये क्या हो गया, अपने हाथी को रोका क्यों नहीं? पापा बाप कुछ करने वाले हैं कि नहीं? आयुष्मान बाबा सदा सुहा कर रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, कोई भी दुख ना है और ये राम सीता की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। आज हम बहुत खुश हैं, आज ना हमारे सारे अरमान पूरे हो गए, पर एक बात याद रखना कि कितने कितने कष्टों के बाद तुमने एक दूसरे को पाया है। हाँ ऐसे एक दूसरे से प्यार करते रहना, ऐसी एक दूसरे का हाथ थामे रहना, हाँ हाथ मत छोड़ना, बट प्लीज अपना कमरा मेरे लिए छोड़ देना। जिद्दी माश, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, थैंक यू। वो ऑफिशियल साले हो गए हो मयंक, गाली खाना तुम्हारा अधिकार है। हाँ फिर तो धमकी देना भी हमारा अधिकार है। देखो हमारी बहन की आंख में एक भी आंसू आया ना, फिर देखना क्या होगा तुम्हारा। अरे बाप रे, जब खुश होती है तब भी रोती है, बहुत पिटेंगे हम। क्या लगा गले लग के आशीर्वाद देंगे? हार के आगे प्यार दिखता नहीं है ना नेताजी। हमारे संग ये ड्रामा करने की सोचना भी मत। अरे अभी अभी दूल्हा दुल्हन बने ये दोनों,
पूरे विधि विधान से स्वागत करेंगे। श्याम काका कलश तैयार करके लाओ और तुम दोनों घर के बाहर जाके खड़े हो जाओ। मैं अभी पूजा की थाल लेकर आती हूँ। रुक जाइए मां, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी उस घर में प्रवेश नहीं करेगी मां, क्या उसकी इज्जत नहीं है? काव्य आपकी बहू है, इस घर की नहीं। मां हम दोनों उस घर में नहीं रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.